ध्वजारोहण होने जा रहा है, सभी से निवेदन कृपया अपने स्थान पर खड़े हो जाएं। सलामी जागी राष्ट्र सलाम परेड कमांडर युवा आईपीएस अधिकारी उदित पुष्कर मंच की ओर अग्रसर हैं। ने मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल जी को भरोसे का स्वाधीनता दिवस है। पूरा प्रदेश भूपेश है तो भरोसा है की भावना से बहुआ है। भरोसा समाज के सभी वर्गों के साथ न्याय का, भरोसा समाज के अंतिम व्यक्ति तक सरकार की सारी सेवाओं को पहुंचाने का, भरोसा लोकतंत्र और पंथ निरपेक्षता की रक्षा का, भरोसा सबके साथ समानता का, भरोसा छत्तीसगढ़िया अस्मिता स्वाभिमान संस्कृति और पहचान को आगे बढ़ाने का, भरोसा किसानों और मजदूरों का, महिलाओं और युवाओं का, भरोसा समाज के सभी वर्गों का। माननीय मुख्यमंत्री जी, आपको अपने बीच पाकर यहाँ मौजूद हजारों लोगों में जो उत्साह और उल्लास है वो बयां करता है कि आपके नेतृत्व में हमारा प्रदेश एक सच्चे लोक कल्याणकारी राज्य के रूप में विश्व के सामने है। जो सुशासन प्रदेश में आज कायम है वो हमें हर तरह की आजादी का विश्वास दिलाता है। नंबर एक पर है सीमा सुरक्षा बल, नेतृत्व कर रहे हैं उप निरीक्षक हेम करण पारी, 30वीं वाहिनी सीमा सुरक्षा बल कोयलीबेड़ा कांकेर। नंबर दो पर है केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल, उप निरीक्षक गौरव जोनवाल के नेतृत्व में है, 211वीं वाहिनी केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल थनौद रायपुर। नंबर तीन भारत तिब्बत सीमा पुलिस, उप निरीक्षक आकाश के नेतृत्व में 29वीं वाहिनी भारत तिब्बत सीमा बल कोंडा गांव। केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल की टुकड़ी का नेतृत्व कर रहे हैं उप निरीक्षक विजय सिंह, केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल स्टील भिलाई स्टील प्लांट। सशस्त्र सीमा बल की टुकड़ी है उप निरीक्षक भास्कर आनंद के नेतृत्व में, आप हैं 33 वाहिनी सशस्त्र सीमा बल केवटी कांकेर। पड़ोसी राज्य ओडिशा पुलिस का प्लाटून निरीक्षक विभु प्रसाद प्रधान के नेतृत्व में। छत्तीसगढ़ सशस्त्र बल की पुरुष टुकड़ी प्लाटून कमांडर पालेश्वर धृत लहरे, 7वीं वाहिनी छत्तीसगढ़ सशस्त्र बल भिलाई। छत्तीसगढ़ सशस्त्र बल की महिला टुकड़ी है उप निरीक्षक उमा ठाकुर के नेतृत्व में। छत्तीसगढ़ पुलिस की यह टुकड़ी प्लाटून कमांडर वेद नारायण सेन, 2री वाहिनी छत्तीसगढ़ सशस्त्र बल सक्रिय संपत सीआईटी स्कूल बिलासपुर। छत्तीसगढ़ जेल का यह प्लाटून सहायक जेल अधीक्षक राहुल गंगराले के नेतृत्व में। नगर सेना की पुरुष टुकड़ी का नेतृत्व कर रहे हैं प्लाटून कमांडर सैयद एहसान अली, 2री वाहिनी छत्तीसगढ़ सशस्त्र बल सक्रिय। नगर सेना की महिला टुकड़ी है उप निरीक्षक शांता लकड़ा के नेतृत्व में। एनसीसी सीनियर विंग गर्ल्स सीनियर अंडर ऑफिसर प्रणाली रंगारी, 8CG गर्ल्स बटालियन रायपुर। एनसीसी सीनियर डिवीजन बॉयज सीनियर अंडर ऑफिसर चेतन पांडे के नेतृत्व में 27CG बटालियन एनसीसी रायपुर।
छत्तीसगढ़ पुलिस की अश्वारोही टुकड़ी एपीसी अशोक पटेल के नेतृत्व में तीसरी वाहिनी छत्तीसगढ़ सशस्त्र बल अमलेश्वर और छत्तीसगढ़ पुलिस और नगर सेना के संयुक्त बैंड प्लाटून का नेतृत्व कर रहे हैं कंपनी कमांडर मारुति राव तायवाड़े प्रथम वाहिनी छत्तीसगढ़ सशस्त्र बल भिलाई। माननीय मुख्यमंत्री जी, विकास के प्रहरी के रूप में ये बल आपको आश्वस्त करते हैं कि देश और प्रदेश के सर्वांगीण विकास के जो स्वप्न आपने देखे हैं, जो महत्वाकांक्षी योजनाएं व्यापक जन कल्याण के लिए आपने बनाई हैं, उनके रास्ते में कोई भी बाधा नहीं आ पाएगी। बहुत ही उत्साह और आह्लाद इस समारोह में मौजूद लोगों में दिखाई दे रहा है। राज्य की पुलिस और सशस्त्र बलों के प्रति मुख्यमंत्री जी ने सदैव सहानुभूतिपूर्ण रुख रखा है। पुलिस और सशस्त्र बलों की समस्याओं को जानने और उनके निराकरण के प्रति आपने उच्च स्तर की संवेदनशीलता का परिचय दिया है। आज की ये जानदार परेड देखकर मानो नभ भी सहम गया है और वर्षाकाल के बादल कहीं दूर चले गए हैं ताकि अंतरिक्ष से भी आज के इस परेड समारोह को देखा जा सके। आज आजादी की उद्दाम ज्वाला जो हम सभी के दिलों में है, उससे आज के इस स्वतंत्रता दिवस परेड समारोह का आनंद कई गुना बढ़ गया है। आज पूरे देश में आयोजित होने वाले ऐसे समारोहों से हमारे शत्रु सिहर कर रह गए होंगे। इन बलों का तेज देखकर देश के दुश्मनों की आंखों के सामने अंधेरा छा गया होगा। आज देश की आजादी की वर्षगांठ पर नया भारत, नया छत्तीसगढ़ करवट ले रहा है और कह रहा है कि भारत माता की जय, सबले बढ़िया छत्तीसगढ़िया। अभी अभी हमने इन थमे हुए तूफानों को इन प्लाटूनों के रूप में देखा है। कुछ ही समय में एक आकर्षक मार्च पास्ट के हम साक्षी बनेंगे और हमें पूरा यकीन है कि ये मार्च पास्ट आप सभी के स्मृति पटल पर एक अमिट याद छोड़ जाएगा। आपको बता दें कि हर्ष फायर में तीन राउंड फायर होंगे। हर्ष फायर के दौरान राष्ट्रगान की धुन तीन हिस्सों में बजाई जाएगी। पहले दो हिस्सों में खड़ा नहीं होना है। तीसरे फायर के बाद राष्ट्रगान की धुन बजने पर सभी लोग सावधान होंगे और सभी वर्दीधारी अधिकारी सैल्यूट करेंगे। परेड कमांडर उदित पुष्कर अपना स्थान ग्रहण करने जा रहे हैं। अब हर्ष फायर होगा। अधिकारी वाजवान जगा। हर्ष पर के लिए
इस बार सभी सावधान होंगे और वर्दीधारी अधिकारी सिट करेंगे। कुछ कॉलम में मंच से गुजरेगी सभी प्लाटूनों के कमांडर अपना स्थान ग्रहण करने जा रहे हैं और एक बहुत ही सुंदर मार्च पास्ट यहां हम सभी के सामने होगा। बेहतर तालमेल, बहुत बढ़िया समन्वय, वही जोशो खरोश जो इस देश को एक महान राष्ट्र बनाता है। राष्ट्रपति की जय के नारे जो अभी अभी लगाए गए हैं, महामहिम राष्ट्रपति देश के लोकतंत्र, गणतंत्र और संपूर्ण प्रभुत्व संपन्नता के प्रतीक हैं। उनकी जय देश के एक एक स्वतंत्र भारतीय की जय है। आपको बता दें कि इस परेड को बेहतरीन बनाने के लिए इन सभी टुकड़ियों ने, इसके एक एक जवानों ने, इसके एक एक न्याय दिलाने का संकल्प लिया है। कहते हुए खुशी है हमारी न्याय योजनाओं का प्रत्यक्ष असर हो रहा है। प्यार की गंगा बहा रही है और दिलों को किसान, ग्रामीण, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अल्पसंख्यक वर्ग, महिला, युवा, बच्चों सरल बनाने इनकी जरूरतों को पूरा करते हुए आगे ले जाने के लिए हमने बड़े बड़े निर्णय लिए हैं। लोगों से किया हुआ वादा कैसे निभाया यह बात सिर्फ किसान ही पूरा प्रदेश और देश जानता है। सरकार बनते ही 70 करोड़ रुपये का अल्पकालिक कृषि ऋण माफ किया, 25 खरीदा, समर्थन मूल्य पर धान खरीदी की मात्रा से बढ़कर 107 लाख मीट्रिक टन किया। यह कुशल प्रति बड़े विश्वास के कारण हुआ। धान बेचने वाले किसानों की 1000 से बढ़कर करीब 25 लाख हो गई है। धान खरीदी के 989 से बढ़कर 2617 किया।
अडिग हैं। आगामी खरीफ मौसम में छत्तीसगढ़ की प्रति एकड़ 20 क्विंटल धान की खरीदी समर्थन मूल्य पर किसानों को ब्याज मुक्त ऋण देने के लिए प्राथमिक कृषि 6,333 से बढ़ाकर 2,058 किया। कृषि ऋण 40 करोड़ रुपये से बढ़ाकर 7,000 करोड़ रुपये की गई। बकाया सिंचाई करके 342 करोड़ रुपये की राशि माफ की गई। किसान न्याय योजना के माध्यम से धान के साथ ही अन्य उद्यान की वृक्षारोपण आदि के लिए नगद राशि दी गई। के खाते में 20,000 करोड़ रुपये से अधिक की राशि डाली गई। प्रोत्साहन के रूप में 208 करोड़ रुपये दिए गए। हमारी सरकार घोषित करते हुए कोदो कुटकी रागी की खरीदी की जा रही है। इसमें पहली बार 94,000 क्विंटल मिलेट फसलों का उपार्जन हमने किया। समर्थन मूल्य पर दलहन खरीदी का वादा भी पूरा किया गया, जिससे प्रदेश में दलहन उत्पादन को बढ़ावा मिलेगा। हमारी सरकार ने नई तरह की खेती और फसलों को बढ़ाने के लिए अनेक कदम उठाए हैं। लाख पालन और मछली पालन को कृषि का दर्जा दिया गया है। छत्तीसगढ़ टी काफी बोर्ड का गठन करते हुए जसपुर में 102 एकड़ में चाय और बस्तर जिले में 80 एकड़ में काफी का रोपण किया गया है। पोषण बाड़ी योजना के तहत 4,00,000 बाड़ियां विकसित की गई है। सुईखदान में पान अनुसंधान केंद्र की स्थापना की गई। किसानों की सुविधा बढ़ाने के लिए 587 कृषक सदन और कुटीर किसान कुटीर धमधा में फल सब्जी मंडी जगदलपुर कांकेर और तथा धमतरी में सामुदायिक बीज बैंक कृषि उत्पादों के निर्यात को बढ़ावा देने के लिए इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय में उच्च स्तरीय फाइटोसेनेटरी प्रयोगशाला की स्थापना की गई है। खेतों में ज्ञान की फसल रोपने के लिए 6 नवीन कृषि महाविद्यालय 11 उद्यानिकी महाविद्यालय 1 वानिकी महाविद्यालय एवं 1 खाद्य प्रौद्योगिकी महाविद्यालय, इस प्रकार कुल 19 महाविद्यालयों और महात्मा गांधी उद्यानिकी एवं वानिकी विश्वविद्यालय की स्थापना की गई। हमने वादा निभाते हुए जल संसाधन विकास नीति 2022 लागू की। बेहतर सिंचाई प्रबंधन के कारण वर्ष 2018 की तुलना में वर्ष 2022-23 में 2,50,000 हेक्टेयर में अतिरिक्त खरीफ सिंचाई सुविधा उपलब्ध कराई। विगत 4 वर्षों में सिंचाई परियोजनाओं के 1,036 कार्य स्वीकृत हुए, जिसके लिए 4,451 करोड़ रुपये से अधिक राशि स्वीकृत की गई। 2,36,338 हेक्टेयर रकबे में सिंचाई क्षमता का विस्तार सुनिश्चित किया गया। नदियों के संरक्षण और संवर्धन का वादा निभाते हुए अरपा बेसिन प्राधिकरण तथा इंद्रावती बेसिन विकास प्राधिकरण का गठन किया गया। बांध पुनर्वास एवं सुधार योजना पर कार्य शुरू किया गया। हमारी सुराजी गांव योजना गांव खेतों पर्यावरण और आजीविका में सुधार के दृष्टि से और देश और दुनिया में सराही गई है। इसके माध्यम से हजारों नरवा का उपचार किया जा चुका है, जिससे उस क्षेत्र का भूजल स्तर तेजी से बढ़ा है। गठानों के लिए प्रदेश में 1,00,000 एकड़ से अधिक जमीन संरक्षित की गई है। 7,000 से अधिक चारागाह स्वीकृत हुए। 10,000 से अधिक गौठान आर्थिक गतिविधियां शुरू हुई, जिसमें से लगभग 6,000 गौठान स्वावलंबी हो गए हैं। घुरवा और गोधन न्याय योजना के माध्यम से गांव में नई किस्म के आर्थिक क्रांति का सूत्रपात हुआ। गोबर और गोमूत्र खरीदी, इनसे जैविक खाद तथा जैविक कीटनाशक के निर्माण से छत्तीसगढ़ रासायनिक खाद से मुक्ति की दिशा में चलना शुरू कर चुका है। गौठानों के आर्थिक गतिविधियों से महिला स्व सहायता समूहों सहित विभिन्न जुड़े हुए लोगों में को हुई आय भी 500 करोड़ रुपए से अधिक हो चुकी है। इसी तरह बाड़ी कार्यक्रम में लगभग 5,00,000 निजी बाड़ी तथा 6,000 सामुदायिक बाड़ी का विकास किया जा चुका है। कृषि उत्पादों के संरक्षण
और प्रसंस्करण के लिए हमने फूड पार्क विकसित करने का वादा भी निभाया है। इसके लिए 112 विकास खंडों में भूमि चिन्हित कर कार्रवाई आगे बढ़ाई है। उद्यान की फसलों के लिए 63 कोल्ड स्टोरेज स्थापित किए गए हैं। वहीं पाटन विकास खंड में गामा रेडिएशन सुविधा युक्त एकीकृत पैक हाउस की स्थापना की जा रही है। हमने गोधन न्याय योजना के माध्यम से पशुपालन को बढ़ावा दिया है तो पशु स्वास्थ्य के व्यापक प्रबंध भी किए हैं। 45 नवीन पशु औषधालयों की स्थापना और 20 पशु औषधालयों का उन्नयन किया गया है। 163 मोबाइल वेटनरी यूनिट, राज्य स्तरीय कॉल सेंटर तथा 28 जिलों में पशुओं को हिंसा से बचाने के लिए सोसाइटी का गठन किया गया है। हमने भूमिहीन कृषि मजदूरों से किया वादा निभाते हुए हमने राजीव गांधी भूमिहीन कृषि मजदूर न्याय योजना शुरू की है। इसके अंतर्गत